नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल्सकाई में आपका स्वागत है। प्रभु यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने की याद में शुक्रवार को मसीही समुदाय गमगीन माहौल में गुड फ्राइडे मनाएंगे। यीशु मसीह के कई चमत्कार देखकर कट्टरपंथी यहूदी ईर्ष्या करने लगे। प्रभु के कंधों पर लकड़ी के क्रूस को रखकर पहाड़ी व कटीले रास्ते पर चलाया गया। सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया। प्रभु के हाथों व पैरों में कीलों को ठोका गया। क्रूस पर 6 घंटे उनको लटकाया गया। इस दौरान प्रभु यीशु ने 7 वचन दिए। पहला, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दूसरा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज तू ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तीसरा, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, यह मेरी माता है। चौथा, इलोई इलोई लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पांचवा, मैं प्यासा हूँ। छठा, पूरा हुआ। सातवां, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु को शुक्रवार की सुबह 9 बजे क्रूस पर चढ़ाया गया था और उसी दिन सूर्यास्त पहले कब्र में रख दिया गया। उस समय प्रभु यीशु की आयु केवल 35 वर्ष की थी। जब प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उनके बाईं व दाईं ओर एक एक डाकू भी क्रूस पर लटकाया गया और उनको भी मृत्यु दंड दिया जा रहा था। एक डाकू ने कहा कि क्या तू मसीह नहीं, तो फिर तू अपने आप को और हमें बचा। दूसरे डाकू ने कहा कि जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी भी सुधि लेना। क्रूस पर दोष पत्र लिख कर टांगा गया था क्योंकि इसी दोष के कारण प्रभु को मृत्यु दंड दिया गया था। बाइबल के अनुसार प्रभु ने ईश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए।